करने जा रहे हैं। मेरे पास इतना आटा है, ये इसका एक लोई हम कर लिए हैं। इसको हम सबसे पहले बेल लेंगे। इसे हमें रोटी बराबर बेलना है, जितनी बड़ी हम रोटी बेलते हैं सेम हमें वैसे बेल लेना है। अभी हमने बेल लिया है, अब इसको हम कट कर देंगे चाकू से। अभी हमने कट कर दिया है। अब हम गिलास लेंगे एक ऐसे पतला से, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। इसमें इसको हम थोड़ा से ऐसे, इसमें हम थोड़ा से पहले तेल लगा लेंगे, नहीं तो इसमें चिपक जाएगा। फिर इसको हम इस पे रख के ऐसे रोल कर देंगे, ऐसे हम इसको रोल कर देंगे और इधर का जो है हम इसको इधर चिपका देंगे अच्छे से। इसको हम इधर चिपका देंगे। ऐसे हम दोनों बना बना के रख लेंगे पहले दोनों का। अभी हमने दोनों गिलास में अच्छे से सेट करके रख दिया है। अब इसे हमें बीच में हल्का हल्का से ऐसे कट कर देना है, जिससे इससे फूलेगा नहीं, नहीं तो फूल के ऐसे पूड़ी जैसे बन जाएगा। हल्का ऐसे टच कर देंगे तो अच्छे से ये निकलेगा भी। अभी हमने इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे एक एक करके ऐसे, ऐसे हमें दूसरा भी डाल देना है। इसको हम गैस तेज कर देंगे, इसको पकने देंगे एक साइड। अभी हम इसको पलट पलट के ऐसे थोड़ा इसको फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो जा रहा है। अभी जब ये हो जाएगा तो थोड़ा छोड़ देगा अंदर से। हमने इसका जो गिलास में डाला था उसको निकाल दिया है। अब देखिए इसको हम अंदर से थोड़ा फ्राई कर देंगे बाहर। अभी हमने फ्राई करके दोनों निकाल लिया है, एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले उबला हुआ चना डालेंगे। आप इसके बजाय चना के बजाय मटर भी डाल सकते हैं। उबली हुई आलू डालेंगे, टमाटर डाल देंगे थोड़ा से, प्याज डालेंगे, नमकीन डाल देंगे इसमें, बस हम ग्रीन चिल्ली डाल देंगे इसमें, टमाटो सॉस डाल देंगे इसमें हम थोड़ा से, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक हमें बहुत कम डालना है, भुना हुआ जीरा डाल देंगे, चाट मसाला डालेंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे थोड़ा से, ऊपर से हम धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे चम्मच से। ये डिश बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी हमने जो कोन बनाया था ये आटे का, अब इसमें हम इसको डाल देंगे अच्छे से। हमने बचे हुए आटा का टेस्टी डिश बना के तैयार कर दिया है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।